हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र अग्रवाल, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको क्यूब रूट घनमूल की एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। कोई सा भी नंबर क्यों ना हो, आप उसका क्यूब रूट घनमूल तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसका तरीका क्या होता है सुन लीजिए। आपको तीन तीन का पेयर बनाना है। शुरुआत आपको तीन के पेयर बनाने से करनी है। ये तीन का पेयर और ये भी तीन का पेयर, एक दो पेयर बन गए आपके, ये दोनों अलग अलग पेयर। अब इनको कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। इसका आपको देखना है लास्ट का यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस नंबर, इकाई का अंक। क्या देखना है आपको? इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक देखें कितना लिखा हुआ है, पाँच। तो आपको देखना है कि देखो, आपको इसके लिए दस तक आपको कम से कम याद होना चाहिए घनमूल, कम से कम आपको दस तक याद होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो पाँच का क्यूब जो होता है वो 125 होता है, मतलब आखिरी पाँच पाँच के क्यूब में ही आता है। आप जैसे देखें यहाँ पे वन का क्यूब वन होता है, तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा समझना है, ये दस तक आपको याद करना है। तो आप देखेंगे पाँच के अगर हम क्यूब करेंगे तो उसके इकाई का अंक कितना आएगा, पांच। तो यहां पे आपको लिख देना है पांच। फिर आप देखें यहाँ पे कितना लिखा है, 857 लिखा है। कितना लिखा है, 857। अब आपको देखना है कि 857 जो परफेक्ट क्यूब रूट किसका होता है, इससे ज़्यादा या इसके कम में। तो ध्यान से देखेंगे कि आपका जो 9 का क्यूब होता है वो आपका होता है 729, और जो 10 का क्यूब होता है वो आपका 1000 होता है। ठीक है, तो ये 9 का क्यूब 729 और 10 का होता है 1 क्यूब, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो ऑब्वियस बना हो जाएगा 95। इसका मतलब है कि 95 का घनमूल है या 95 का क्यूब रूट है। तो आगे समझ में था, बिल्कुल सिंपल। तो क्या ध्यान रखना, पहले पेयर बनाएंगे उसमें हमें उसका यूनिट प्लेस नंबर देखना है, जितने में मल्टीप्लाई करने में उसका आता है। जैसे यहां पे 2 का क्यूब कितना है, 8 होता, तो यूनिट प्लेस 8। 3 का क्यूब 27, तो 7 होता यूनिट प्लेस। 4 का क्यूब 64, तो यूनिट प्लेस 4 होता है। इसी तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। तो आखिरी का नंबर देखेंगे इसका, पहले का, और दूसरे में आप देखेंगे कि भैया कितना उसका जो आपके बीच में, देखो तीन तीन डिजिट नंबर आपका 9 से 10 तक के में क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखना है किससे ज़्यादा और किससे कम है। तो यहाँ पे आपने देखा 857 आपका 729 से तो ज़्यादा है, लेकिन 1000 से कम है, तो इसलिए इसको ना लेके किसको लेंगे, कम वाले को लेंगे। तो आया आपको समझ में। हम एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया इसका ये कि 175 76 का निकालना है। तो मैंने जैसा कि बोला आपको इसका पेयर बनाएंगे तीन का, तो ये होगा एक पेयर, और ये आपको दो बचत कोई बात नहीं, बस आप स्टार्टिंग तीन से करिएगा। तो एक का यूनिट का नंबर कितना है, 6। तो आप देखेंगे 6 यूनिट का जो नंबर होता है उसका जो क्यूब भी 6 ही होता है। ठीक है ना, तो 576 देखा कि यूनिट प्लेस नंबर 6 है, तो 6 का क्यूब ही होता है, इसमें यूनिट प्लेस नंबर 6 होता है। तो यहां पे कितना जाएगा, 6। अब 17, तो आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो आप जानते हैं कि ये ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, तो किसको लेंगे, 2 को। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 26 है ना। बहुत शानदार ट्रिक। तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि हम ये क्वेश्चन दिया 175 616 का क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो वही तीन तीन का पेयर। आखिर में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा है, तो मतलब 6 का यूनिट प्लेस 6 ही होता है। और 175, तो आपने ध्यान से देखना है कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो आप ध्यान से देख सकती हैं, ज़्यादा हो रहा है और ये कम है, तो ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे, मतलब ये आपका 56। तो ये 175 616 इसका घनमूल है, क्यूब रूट है आपका 56 का है। इसी के साथ आपकी ये ट्रिक खत्म होती है दोस्तों। बहुत सरल ट्रिक थी, एक्चुअल में ये ट्रिक नहीं थी, आपका जो ट्रिक थी। अब कई स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर आपने ना किसी जो बड़े जो जो बड़े बड़े चैनल हैं उन लोगों का आपने कॉपी करा, दूसरों की ट्रिक आप कॉपी कर रहे हैं। भाई साहब, मैंने किसी की ट्रिक कॉपी नहीं करी है, ना ही मैं किसी कॉपी करता हूं। मैंने ये जो पढ़ा है, बेसिकली मैं आपको जो ट्रिक बताता हूं, क्वेश्चन बताता हूं, मैं एनसीईआरटी से बुक से बताता हूं। अगर आपने अच्छे से 6 7th और 8th का मैथ्स पढ़ा है, तो ना तो आप किसी की ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, नहीं आप किसी की बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में क्या होता है, ये बिल्कुल बुक में बकायदे ऐसा ही लिखा होता है एनसीईआरटी की बुक्स में, सब लोग उसी से पढ़ा, तो ना कोई अलग से इजाद नहीं करी थी ये ट्रिक, ना उन्होंने का कोई दिमाग लगाया था, और ये उसी से होता है। जो लोग कहते हैं ना कमेंट में, कमेंट करते हैं कि उसकी कॉपी कर रहे हो, उसकी कॉपी कर रहे हो, मैं किसी की कॉपी नहीं करता, बुक से बकायदे रिसर्च करके ये वीडियोस बनाता हूं मैं। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो भाई आपकी सोच को लाल सलाम। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसी तरीके से आपको अगर और भी ट्रिक्स और बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट करें, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर दूंगा आपको। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।